हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं अपने चैनल पर सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक को कवर करूंगी, कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आएगी। ये बात तो साफ है कि जब तक जान और जहान के संतुलन को बनाने के लिए जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आएगी, दुनिया भर की लाइफ नॉर्मल नहीं हो पाएगी। सबका इसका एंटीडोट के बारे में यही सवाल है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक मार्केट में यूज के लिए अवेलेबल होगी। साथ ही सवाल यह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कितने के कितने करीब है, हम क्या भारत भी वैक्सीन बना रहा है। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा आपको मेरी इस वीडियो में। बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी को भी बजा दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कब तक आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। आप देखते हैं कि इस वैक्सीन को बनाने की क्या क्या स्टेजेस होती है। सबसे पहले आती है स्टेज वन, जिसमें किया जाता है शोध यानी कि रिसर्च वर्क। फिर आती है स्टेज टू, प्री क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। दुनिया भर में मैक्सिमम वैक्सीन इसी पर ही है अभी। फिर आती है स्टेज थ्री, जिसमें होता है क्लिनिकल ट्रायल। ये स्टेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस स्टेज में इंसानों पर ट्रायल शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज के आगे तीन फेजेस हैं। इसके पहले चरण यानी कि फेज वन में इसके वॉलंटियर्स पर ट्रायल किया जाता है। इसमें ये एक स्वस्थ यानी हेल्दी लोगों पर, जिस बीमारी पर वैक्सीन बनाई जा रही है वो उससे पीड़ित नहीं होते हैं। ये टेस्ट किया जाता है 10 से 30 वॉलंटियर्स पर, जिसको करने का मकसद यही जानना होता है कि कहीं उस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है और ये हमारे इम्यून सिस्टम पर कैसे रिएक्ट करेगा। वो बीमारी ज्यादा इफेक्ट करती है उन पर ट्रायल किया जाता है, यानी कि रिस्क ग्रुप ये किया जाता है सेफ्टी और वैक्सीन। इस स्टेज में आमतौर पर 2 से 3 साल लग जाते हैं। और अब आगे है स्टेज थ्री की, यानी कि तीसरा चरण। इसमें हजारों लोगों की तादाद में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हुई स्टेज थ्री की तीनों फेसेस। इसके बाद आती है स्टेज फोर। ये वो चरण है जब वैक्सीन अप्रूव और सर्टिफाइड हो जाती है। इस स्टेज पर वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है और मार्केट में इसकी सप्लाई होती है। अब बात करते हैं दुनिया भर में बन रही वैक्सीन अभी कौन सी स्टेज में है। WHO के अकॉर्डिंग दुनिया भर में शोध हो रही 70 वैक्सीन में से अभी 3 ही बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द हांगकांग लिस्टेड कैंसिनो बायोलॉजी ही अभी तक स्टेज 3 के फेज 2 में पहुंच पाई है। बाकी अभी प्री क्लिनिकल स्टेज यानी कि स्टेज 2 में है। इसका मतलब है कि 67 वैक्सीन का अभी जानवर पर ही टेस्ट चल रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वैक्सीन को अगर जल्दी से जल्दी भी रिलीज किया जाए तो वैक्सीन के आने का एस्टिमेट अभी बताया जा रहा है 10 महीने से लेकर 1 साल तक। अब बात करते हैं वैक्सीन बनाने की रेस में भारत कहाँ है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी कोरोना वायरस से लड़ने का तरीका खोजने की कोशिश कर रही है, कुछ इंडियन कंपनीज भी जज्बे से वायरस का क्योर खोजने के लिए कतार में हैं। इस वक्त दुनिया भर में 70 कंपनीज कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलपमेंट फेज में है। इनमें से 3 इंडियन वैक्सीन मेकर्स जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडस कोडिला और भारत बायोटेक वैक्सीन बनाने की रेस में है। आमतौर पर 10 एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन में से केवल एक ही रेगुलेटरी अप्रूवल तक पहुंचती है। इसलिए जितना ज़्यादा कंपनीज वैक्सीन बनाने के लिए ट्राई करेंगी, सक्सेस के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। भारत की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट को COVID-19 की वैक्सीन बनाने की प्री क्लिनिकल फेज में है और इस कंपनी को उम्मीद है कि वैक्सीन 2022 तक तैयार हो जाएगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कंपनी US बेस्ड बायोटेक्निकल कंपनी कोडा चाणक के साथ मिलकर यह शोध कर रही है, जिसमें जानवरों पर टेस्टिंग शुरू की जा चुकी है। वैक्सीन के आ जाने के बाद सवाल आता है कि कब तक उसकी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में रहेगी। अगर इस वैक्सीन को एक बार लेने से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है तो दुनिया के लिए इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। हालांकि कॉमन कोल्ड और बुखार की वैक्सीन आमतौर से 1 से 2 साल की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रोवाइड करती है, जो इशारा करता है कि अगर ऐसा हुआ तो लोगों को सालाना टीके लगवाने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। थैंक यू सो मच योर लव एंड सपोर्ट। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन।